पाटला पब्लिक एकेडमी स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का किया गया आयोजन। ...2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा एसएसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। दरभंगा में अवैध अतिक्रमण एवं मकान और रास्ते पर चला दरभंगा नगर निगम का बुलडोजर। सरकार की महत्वाकांक्षी और जनप्रिय योजना जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हुई समीक्षा बैठक। दरभंगा के डीएम और एसएसपी ने किया ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 15 सूत्री मांग को लेकर 11 मार्च को किया जाएगा विशाल छात्र आंदोलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा दिया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में हुआ वसंतोत्सव स कुलपति के अभिनंदन का भव्य आयोजन। सोमवार को लहरियासराय के खराजपुर रोड स्थित पाटला पब्लिक एकेडमी स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 38 तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 50 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों के द्वारा विभिन्न चरित्रों को निभाया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए और शिक्षा की पहुंच हर किसी तक होनी चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा बेहतर तरीके से डांस और नाटकीय अंदाज में विभिन्न तरह के चीजों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से दिखाया गया। ये जो है आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे यहाँ के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े ही अपना अपना जो स्किल होता है अंदर का, वो यहाँ उभारने का काम किया है। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं नर्सरी LKG UKG के, वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स हुआ है। उसमें कुछ बच्चे अपना कल्चर प्रोग्राम किया है। यहाँ का जो अभी का माहौल है, वातावरण है, हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमारे समाज में जो कुछ भी कुरीतियाँ हैं उसको बच्चों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ताकि हमारे समाज में सब कुछ प्रभाव न पड़े। ये ड्रेस कंपटीशन रखा गया है और हमेशा ये रखा जाता रहा है। आज उसी का दिन था और इसीलिए ताकि बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को हम निखारने में लगे रहते हैं। और ये हमेशा हर विद्यालय में होता है, शिक्षक का ये दायित्व भी है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बूते ही हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बच्चों के अंदर जो अंदरूनी प्रतिभा अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए छुपी होती है, इस आयोजन के द्वारा उसे हम निखारने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, प्रतियोगिता प्रोग्राम है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अपने सहभागिता इसमें दे सकें और उनके अंदर जो कला छुपी हुई है, एक आप कह सकते हैं कि ये एक्सपोजर होता है। हर बच्चा बहुत बेहतर शिक्षा में ही है वो, ये जरूरी नहीं है, उनके अंदर अपनी कुछ अभिरुचियाँ होती हैं और शिक्षक का विद्यालय का दायित्व होता है बच्चों के सर्वांगीण और बहुआयामी। दरभंगा में पुलिस की चुनौती निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए उपद्रवियों एवं अफवाह और गुमराह करने वाले लोगों पर अंकुश लगाना है। इसी के मद्देनजर दरभंगा SSP के साथ CTSP एवं DSP के नेतृत्व में CISF एवं दरभंगा पुलिस ने पुलिस लाइन से दर्जनों की संख्या में लहरियासराय टावर लोहिया चौक होते हुए दरभंगा के मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर उपद्रवियों को संदेश दिया गया कि किसी भी तरह का उपद्रव या अफवाह फैलाएंगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को एक CISF फोर्स मिला हुआ है, दूसरा SSB कंपनी भी 2-3 दिन में आ जाएगा, 7 तारीख को आने वाला है। तो हम लोग अभी आज से हमारा जो CISF का जो एक्टिव जो कार्यवाही है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं,
इसके बाद हम लोग सूची बना ली है जो वारंटीज का लिस्ट है और जो केस में वांटेड होते हैं उनका लिस्ट बना लिया है और कुछ सेंसिटिव प्लेसेस हम लोग चेक कर लिया है, व्हीकल चेकिंग, एरिया डोमिनेशन, बहुत सारे एक्टिविटीज चलता है। हम लोग प्लान कर लिए कि आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। शहर में ही इनको MSML कॉलेज है, वहाँ आवास स्थल है। ये हम लोग डेली प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ रहे, डेली कुछ ना कुछ इनके तरफ से कार्रवाई चलता रहेगा और जिला पुलिस और CISF सहयोग से हम लोग यहाँ इलेक्शन पूरा एरिया डोमिनेशन करना, गिरफ्तारी करना, वारंटी को पड़ करना, व्हीकल चेकिंग करना, नाका लगाना, ये सारा हम लोग एक्टिविटी पूरा सदर ये जो CISF का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सदर अनुमंडल जो है उसको पूरा दिया गया। जैसा बॉर्डर एरिया भी करेंगे हम लोग, शहर में भी करेंगे, कमतोल एरिया है वहाँ भी जाएगा, बहादुरपुर एरिया वहाँ भी जाएगा, पूरा सदर अनुमंडल में सब एरिया में होगा ये काम। तो यही है कि हम लोग अभी जो इलेक्शन का जो चल जो आने वाला है उसी के चलते कर रहे हैं कि जो बदमाश है, जो क्या अपराधी है, उनके ऊपर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे ताकि इलेक्शन भयमुक्त शांतिपूर्ण माहौल में शांति संपन्न पूर्ण करना हमारा टारगेट है। हम लोग उसको उसी के लिए हम लोग सब प्लान करके कर रहे हैं। दरभंगा नगर निगम के द्वारा 7 अवैध एवं अतिक्रमण मकान एवं रास्ते को खाली करवाया गया। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी एवं दरभंगा के पुलिस बल मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि यह दरभंगा का पहला कदम उठाया जा रहा है जब एक साथ इतने मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। ये मोहम्मद अमानुल्लाह और धीरज जी द्वारा अवैध निर्माण किया गया था। जी पूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद आज के अधिक्रमण स्थल खाली कराया जा रहा है। कितना मकान छूट रहा है? ये तो बगल में भी मकान है, वो भी तो अवैध निर्माण लग रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 मकान छूट रही है। 8 मकान क्लियर हो जाएगा आज। आपका परिचय? राजा राम नवादल प्रभारी दरभंगा नगर निगम। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। आज की इस बैठक में जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने, नए जल स्रोतों का निर्माण, आहार पैन का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार, चापाकल एवं कुआं के समीप सोखता का निर्माण, चेक डैम छत वर्षा जल संचयन का निर्माण, वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई और सौर ऊर्जा एवं जैविक खेती की समीक्षा की गई। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के निर्देशानुसार EVM VVPAT वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसी निर्देश के अंतर्गत त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित EVM VVPAT वेयर हाउस के तीनों तलों पर स्थित गोदाम की स्थिति एवं रखे गए EVM का अवलोकन किया गया। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना के नेतृत्व में दरभंगा शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में 11 मार्च LNMU चलो आंदोलन के लिए कैंपेन चलाया गया। इस बाबत विश्वविद्यालय के संयोजक अमन सक्सेना ने कहा कि पिछले 10 दिनों से संगठन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी छात्रों के बीच जाकर छात्र आंदोलन की जानकारी दी जा रही है कि कैसे एक छात्र अपने समाज के बदलाव के लिए काम कर सकता है। मौजूदा समय में छात्रों को शिक्षा के नाम पर शोषण किया जा रहा है। कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं कर रहा। और आप परेशान है 1,000 रुपया के लिए? हम अपने गार्जियन को बोलेंगे कि चलिए गार्जियन, चीनी मिल जो हमारा बंद कर दिया है, पेपर मिल जो हमारा बंद कर दिया है, उसके लिए दिल्ली में चलते हैं आंदोलन करने के लिए। तो वो बोलेंगे क्या पता है, 1,000 रुपया मेरा छूट जाएगा। यही कहेंगे ना, 1,000 रुपया आप नौकरी के लिए कैसे छोड़ देंगे? छोड़ देंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? तो हम कह रहे साथी, एक बार पंजाबी से कम आंदोलन करना सीखिए। वो आपका मालिक होकर 3-3 महीना पर एक एक जगह पर बैठा रहेगा, एक एक जगह पर, एक ही जगह पर 3-3 महीना तक बैठा रहेगा। क्या आप 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं 4 किलोमीटर पैदल। हम आपको इमाम पिताजी ने संघर्ष नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आज
चीनी मिल बंद है, पेपर मिल बंद है, सूत मिल बंद है, ये सब कहाँ था? हमारे दरभंगा में था, है ना भाई? सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया, जिसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता हुई। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, विगत 4 वर्षों से डिस्टेंस में नामांकन नहीं हो रही है और नामांकन के लिए कोई सफल प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, ये लोग पहले कह रहे थे जो UGC का आती या नियमावली है A+ होना चाहिए, लेकिन UGC और भारत सरकार के मंत्री महोदय के द्वारा ये नियम को खारिज करते हुए पुनः इसको चालू करने के लिए सो एक हैप्पी रिपीट विश्वविद्यालय को देना है और अपनी बातों को वहाँ पर जाके UGC में रखना है। जबकि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई नहीं गया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस समय में हम लोगों ने लिखा विश्वविद्यालय के लिए जो डिस्टेंस में नामांकन नहीं हो रही है, उस समय रजिस्ट्रार साहब कहते हैं अब भी सीनेट की बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम डिस्टेंस के डायरेक्टर को और भी क्या कहते हैं विश्वविद्यालय को FA, FO को तीनों को एक शिष्टमंडल UGC में भेजेंगे और तत्पश्चात हम लोग नामांकन करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इससे पहले भी हम लोग इसी मांगों के लेके, इन्हीं 5ों मांगों के लेके धरना पर बैठे थे। आज आपको पता है डिस्टेंस मोड में जितने भी कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सिंग पे हैं, उनका सैलरी 12 महीना से नहीं दिया जा रहा है। सोमवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में वसंतोत्सव सह कुलपति के अभिनंदन का भव्य आयोजन किया गया। वहीं स्थानीय MLSM कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष सह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने की। अभिनंदन राजर्षि जनक महर्षि आगवल मालिक दिया मारे हो